अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीतुल्बा, आज हम जो है इसाबी तसाद की मशक नंबर 1.1 में पहली मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं इसाबी तसाद के मुतालिक आपको पिछले वीडियो में उसका जो है तारुफ तारीफ वगैरह बता चुका हूँ, उसी को जहन में रखते हुए आज इस मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान लगाए, चलिए मिसाल को देखें। मिसाल में दिया गया, मंदरजील कौन सी सूरत हाल में ऐदाद की फहरिस्त 1 AP में है और क्यों? तो यहां पर कुछ सवाल दिए गए हैं। एक ऐदाद की फहरिस्त बनती है, एक सूरत हाल ऐदाद की बनती है, और इस ऐदाद की फहरिस्त 1 AP में है और वो क्यों, उसकी वजह क्या है, तो बताना है। चलिए पहली मिसाल को गौर करें, बहुत सिंपल मिसाल है। हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और 8 रुपए हर 1 जायद किलोमीटर के लिए। तो यहां क्या एक जुमला दिया गया है, एक टैक्सी का किराया जो है इब्तिदा यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए तय है, फिक्स है। फिर अगले हर 1 किलोमीटर जायद के लिए, मतलब हर 1 किलोमीटर ज्यादा जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर 8 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि ऑटो में जब बैठते हैं, सॉरी जब टैक्सी में हम जब बैठते हैं, तो टैक्सी में जब बैठा जाता है तो उसके 1 किलोमीटर का जो फासला जब तय किया जाता है तो उसके लिए 15 रुपए है। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा आपको, 8 रुपए। फिर तीसरे के लिए, मतलब हर 1 जायद किलोमीटर के लिए 8 रुपए आपको क्या है होगा, उसका किराया 8 रुपए है हर 1 जायद किलोमीटर के लिए। अब इसको क्या है एक ऐदाद की फहरिस्त तैयार करना है, फिर उसकी जांच करना क्या वो एपी में है या नहीं। मान लीजिए अब टैक्सी का जो किराया है, मैं यहाँ जो उस किराए को जो है 15 रुपए है तो उसको मैं ए बोल के मानता हूँ, क्योंकि पहला किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए। फिर हर जायद किलोमीटर के लिए यहाँ पर क्या है कि भाई 8 रुपए, तो मान लीजिए मैं इसको D=8 देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एपी लिखेंगे, एक ऐदाद की फहरिस्त को तैयार किया जाएगा। अब यहां देखिए 15, और उसके बाद 15 में हमको 8 जमा किया जाएगा, तो ये होगा 15+8 कितना हो जाता है, 15+8 23 हो जाता है, राइट। फिर 23+8 कितना होगा, 31 होगा, डैश डैश डैश। अब यहां देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, फिर हर 1 जायद किलोमीटर के लिए आपको क्या है कि भाई 8 रुपए ज्यादा देना है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट A1 है पहला किलोमीटर, ठीक है, फिर दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, इस तरह। तो यहां अगर गौर कीजिए 15, 23, 31 है। अब एक ऐदाद की फहरिस्त तैयार हो गई है, अब आपको मालूम है इसका मुश्तरक फर्क 8 है, तो ये हिसाबी तजाद कहलाती है। तो मतलब अगर 23 - 8 15 करने पर भी जो है 8 हासिल हो रहा, 30 - 31 - 23 = 8 हासिल हो रहा, तो लिहाजा ये ऐदाद की फहरिस्त क्या कहलाती है, एपी कहलाती है, हम इसको एपी कह सकते हैं, वेरी सिंपल है। इस तरह की मिसाल मैं और एक आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि और एक इसी तरह हूं, वो एक मिसाल आपके लिए मश्क देता हूं। मान लीजिए अगर आप किसी एक जॉब के लिए आपको किसी एक जॉब लग जाता तो उसकी पहली जो तनख्वाह है मान लीजिए कि 1000 रुपए आपकी तनख्वाह है। अब जो है हर साल आपके तनख्वाह में जो 200 रुपए ज्यादा की जाती है, तो आप 10 साल बाद आपकी रकम क्या होगी, तो आपकी पेमेंट क्या होगी, तो इसी तरह हम यहाँ पर एग्जांपल को इसी तरह हल कर सकते हैं। तो यहाँ वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, फिर हर 1 जायद किलोमीटर के लिए 8 रुपए आपको देना होगा, तो यहाँ हो 15, 23, 31, ये हिसाबी तसाद कहलाती है, हिसाबी तसाद में है। अजीतुल्बा, अब जो है मश्क नंबर 1.1 में पहली मिसाल में Roman 2 आज हम हल करेंगे। देखिए पहली जिस तरह मैं आपको बताया हूँ, इसका जो टाइटल क्वेश्चन है, मंदरजील कौन सी सूरत हाल में ऐदाद की फहरिस्त 1 AP में है और क्यों। तो यहाँ एक ऐदाद की फहरिस्त हासिल होती है एपी में है तो क्यों है, नहीं है तो उसकी वजह क्या आपको लिखना है। चलिए मिसाल नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि हम पहली मिसाल हल कर चुके हैं, अब मिसाल नंबर 2 हल करेंगे।
जबकि एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मर्तबा पिछली हवा का 1/4 निकालता है, तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मकदार। यहाँ एक जुमला दिया है, जरा जुमले पर गौर करें। जबकि एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में, मतलब जो हवा जो हम भरते हैं उस सिलेंडर में हर मर्तबा पिछली हवा का 1/4 निकालता है, तो 1/4 निकालता है। मतलब उसका माना यह होगा कि जब हम पंपिंग करते हैं तो पंपिंग के दौरान तो उस वक्त तो जो हवा निकलती है बची हुई हवा में का 1/4वां हिस्सा निकालता है, तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मकदार। यह हमें मालूम करना है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपको बात समझ आ गई? तो मतलब कि जब हम पंप करते हैं तो मतलब कि हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में जब वैक्यूम किया जाता है, तो एक पंप किया जाता है, तो हवा जो बाहर निकलती है वो जैसे कि 1/4 बची हुई हवा में का 1/4 1/4 हवा बाहर निकलकर ट्यूब वगैरह में हम भर सकते हैं, यह एक बता दिया जा रहा है। मान लीजिए वेरी सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान लगा, ठीक है। मान लीजिए अगर पहली मर्तबा अब उस सिलेंडर में जो हवा है कि मैं वी बोल के लेता हूँ, वी मुरस वैल्यूम हजम, तो यहाँ पर वी है, ठीक है, इतनी हवा उसके अंदर मौजूद है, ये पहली मतलब कॉर्डिल है। जब दूसरी बार पंप किया जाता है तो हम दूसरी बार जो पंप करते हैं, मतलब पंप करते हैं एक मर्तबा, तो वो हवा जो खारिज होती है इसका 1/4 निकालते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया, तो ये वी इंटू 1/4, ये जो है 1/4 वी जो हवा माइनस करके निकाल दिया। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर ये होगा, अब उसी तरह मान लीजिए अब दूसरा मुझे सेकेंड टर्म में क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म में ये वी माइनस 1/4 वी, राइट, ये हो जाता है, ये मतलब कि पहली मर्तबा। अब यहाँ देखिए इसको कोई मसला नहीं है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपको इसको हल करेंगे, वी माइनस 1/4 वी है, मतलब इस हवा का 1/4 निकाल कर जो निकलता है, तो अब यहाँ जो क्या होगा, यहाँ वी जो है तो यहाँ नस्ब नुमा में एक है, तो इसका जुजाफेकल, इसका एलसीएम 4 होगा, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4V/4, तो मतलब ये 4V-1V/4 होगा, तो दिस इज इक्वल टू 3V/4। दूसरी मर्तबा जो हवा निकालता है वो 3V/4 है, ठीक है, ये पहली मर्तबा मतलब कि उसमें हवा इतनी मौजूद है, जब पंप करने के बाद कितनी हवा निकाल रहा हुआ, तो बची हुई हवा का 1/4 निकालता है, तो मतलब इसमें से ये जो हवा है उसमें 1/4 निकालता है, माइनस करके उसमें जो बची हवा इतनी है। अब उसी तरह नेक्स्ट जो है मौजूद हवा की मकदार, तो इतनी सेकेंड टर्म इतनी हवा उसके अंदर रह जाती है। अब उसी तरह मान लीजिए कि तीसरी मर्तबा 3V/4 - 1/4 वी किसका भाई, इसका है, वो 3V/4 का निकालता है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, तवज्जो लगा, ये कितना हुआ, नजरा मसावी है, तो मसावी नहीं है, ये 4 × 4 = 16 होगा, 3V - 3V/4 - 3V/16 होगा, 4 × 4 = 16 होगा। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, नस्ब नुमा जो है बिल्कुल ये अलग है, तो एलसीएम क्या होगा, 16 होगा इसका, जुज़ाफिकल 16 होगा, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12V होगा / 4 - 3V/16 होगा, 3V/16 is equal to 12V - 3V - 3V/16 कितना होगा, 16 होगा। तो अब यहाँ जो होगा दिस इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस 9V / 16 हवा निकलती है। तो अब उस लिहाज से जरा गौर करें, पहली मर्तबा सिलेंडर में V था, फिर उसके बाद बच गई है तो हवा मौजूद हवा उतनी है, जब एक पंप करने के बाद हवा जो है 3V/4, फिर उसी तरह जो है 9V/16 है, इस तरह की फहरिस्त है।
अब यहाँ देखना है कि एपी में है या नहीं। अब हम लोग डी मालूम करेंगे, डी इज इक्वल, ठीक है, डी इज इक्वल टू मालूम करेंगे तो ये ए टू माइनस ए वन, तो ए टू ये होगा, दिस इज इक्वल टू थ्री वी अपॉन फोर माइनस बी। ओके, अब यहाँ ज्योग्राफिकल फोर है, मतलब ज्योग्राफिकल फोर होगा, तो ये थ्री वी, दिस इज इक्वल टू थ्री वी माइनस फोर वी अपॉन फोर, दिस इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन फोर, राइट। फिर दूसरी मरतबा और फिर हम टेस्ट करेंगे, डी इज इक्वल टू नाइन वी अपॉन सिक्सटीन माइनस थ्री वी अपॉन फोर होगा, राइट। अब जुजाफे के लिए अभी सिक्सटीन होगा, तो उस लिहाज से नाइन वी माइनस ट्वेल्व वी अपॉन सिक्सटीन होगा, दिस इज इक्वल टू ये कितना होगा माइनस थ्री वी अपॉन सिक्सटीन होगा। तो मुश्तरिक फर्क यहाँ डी इज इक्वल टू जो है वो माइनस वी अपॉन फोर है, यहाँ जो मुश्तरिक फर्क है तो माइनस थ्री वी अपॉन सिक्सटीन है, तो मुश्तरिक फर्क ऐसा नहीं है, लिहाजा ये जो है एपी में नहीं कहलाती है, हम लिख सकते हैं ये एपी में बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह अजीज तुलबा हम लोगों को हल कर लेना चाहिए। अजीज तुलबा, अब हम जो है मश्क नंबर एक अशार एक में मिसाल नंबर दो के कुछ मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल नंबर टू क्या है, एपी के पहले चार अरकान लिखिए, एपी के में पहले चार अरकान लिखना है। पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी जिल में दिया गया, तो पहला रुकन दिया गया और डी दिया गया है, हमको एपी लिखना है, एपी तैयार करना। मैं पिछले वीडियो में आपको इस तरह की मिसाल आपको बता चुका हूँ, यहाँ वेरी सिंपल है। अब मैं जो है एक एग्जाम्पल मियारी शक्ल पर बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। अब मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए, पहली जो मिसाल है वेरी सिंपल है, ए बराबर आपके पास क्या है टेन है, राइट। डी इज इक्वल टू ये बिट क्या है टेन है, तो उस लिहाज से डी इज इक्वल टू टेन है और ए इज इक्वल टू टेन हमारे पास मौजूद है। अब हमें इसका एपी लिखना है, ठीक है, हम एपी लिखेंगे, वेरी सिंपल। एक हम मियारी शक्ल पर लिख सकते हैं, मियारी शक्ल आपको मालूम है, पहला रुकन ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, चौथा ए प्लस थ्री डी वगैरह वगैरह, उस लिहाज से लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ और एक बात याद रखिए, जब कभी एपी लिखना है तो ए मालूम है तो उस मुश्तरिक फर्क में जमा करते जाना, हर एक रुकन में मुश्तरिक फर्क को हम जमा करते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक मुख्तसर तरीका आपको बताता हूँ, ए इज इक्वल टू टेन हमारे पास मौजूद है, तो हम पहले लिखेंगे टेन, राइट। फिर 10 में मुश्तरिक फर्क डी है, तो ए प्लस डी सेकेंड होगा, तो ये कितना होगा 20 होगा, तो 20 में फिर 10 जमा करें, कॉमा 30 में फिर 10 जमा करें, 40 डैश डैश, ये तैयार होगा आपका ए, राइट, ठीक है। नंबर वन क्वेश्चन, नंबर टू देखिए, नंबर टू में क्या है, वेरी सिंपल है, या ए इज इक्वल टू माइनस टू है, डी इज इक्वल टू जीरो है, मुश्तरिक फर्क सिफर है, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, सिफर जमा करना, तो पहला रुकन क्या होगा माइनस टू, दूसरा भी माइनस टू, तीसरा भी माइनस टू और चौथा भी माइनस टू डैश डैश, दूसरा होगा। चलिए इसी तरह तीसरा हल करेंगे हम लोग, तीसरा वेरी सिंपल है, बहुत आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए, ए इज इक्वल टू फोर है, डी इज इक्वल टू हमारे पास माइनस थ्री है, राइट। पहला रुकन में हमको मुश्तरिक फर्क जमा करते जाना है। अब देखिए ये फोर होगा पहला रुकन, अब जो है दूसरा रुकन हासिल करने के लिए फोर प्लस थ्री, अब यह माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बात समझ में आए, फोर प्लस माइनस थ्री, राइट। अब याद रखिए ये कितना होगा, अब ये एक काम करेंगे मियारी शक्ल के एतबार से लेंगे, ये फोर प्लस टू इंटू माइनस थ्री, राइट डैश। अब देखिए ये फोर का फोर रहेगा माइनस, अब ये फोर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो फोर माइनस थ्री कितना होगा वन होगा, राइट। फिर नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू ये फोर प्लस, ये फोर होगा तो माइनस सिक्स होगा, माइनस सिक्स प्लस फोर तो माइनस टू होगा, तो इस तरह हम लोग हासिल कर सकते हैं, ये तीसरी मिसाल है। चलिए हम चौथी को देखेंगे, वेरी सिंपल है चौथी जो मिसाल है हमारे पास, अब ए इज इक्वल टू माइनस वन है, डी इज इक्वल टू वन अपॉन टू है, हमें ए पे लिखना है, ठीक है, माइनस वन, राइट। अब याद रखिए, अब नेक्स्ट टर्म में माइनस में वन प्लस माइनस वन में जो है हमें वन अपॉन टू जमा करना है, इसका एलसीएम क्या आ गया, तो यहाँ टू एलसीएम आ गया, तो माइनस टू प्लस वन अपॉन टू होगा,
दिस इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तो ये होगा नेक्स्ट माइनस वन अपॉन टू होगा। अब उसी तरह माइनस वन अपॉन टू में जो है, माइनस वन अपॉन टू में प्लस वन अपॉन टू जमा करेंगे तब ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, ठीक है। इस तरह हम एपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह पांचवा वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखिए ए इज इक्वल टू माइनस 1.25 है, डी इज इक्वल टू माइनस माइनस 0.25, वेरी सिंपल है। अगर पहला रुकन और मुश्तरक फर्क भी माइनस रहा तो जमा करते निकल जाना है, जैसे कि पहला रुकन माइनस 1.25, ठीक है, याद रखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो अब यहाँ क्या, अगर मुश्तरक फर्क जमा करना है तो ये भी माइनस वो भी माइनस, तो अब इसमें 1.5 में माइनस 0.25 जमा करेंगे तब ये माइनस कितना होगा, माइनस 1.50 होगा। फिर इसके बाद 0.25 फिर जमा करेंगे तो ये कितना होगा, तो माइनस 1.75। इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। जिस तो बिल्कुल आसान है, जब भी याद रखिए हम पहले रुकन में जो है, पहले रुकन में जो मुश्तरक फर्क को जमा करते थे ए पी लिख सकते हैं, या फिर आपको इसमें मुश्किल हो रहा है तो आप मियारी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। तो पहला रुकन ए है, दूसरा ए प्लस जी है, ए प्लस टू डी है, ए प्लस थ्री डी है, डैश डैश डैश, इस तरह इस्तेमाल करके भी इस तरह मिसाल हल कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गई होंगी। तो शायद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मश्क नंबर 1.1 में तीसरी मिसाल और चौथी मिसाल हल करेंगे। तीसरी मिसाल में चार सवाल हैं और चौथी मिसाल में और सारे सवाल हैं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दो मिसाल यहाँ पर लिया। चलिए हम लोग हल करेंगे, वेरी सिंपल है। हम लोग को पहले तीसरी मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे, तीसरी मिसाल। अब देखिए मंदरजिल ए पीस में पहला रुक और मुश्तरक फर्क लिखिए, तो हमें पहला रुक और मुश्तरक फर्क लिखना है, वेरी सिंपल। यहाँ दिया गया है कि भाई इसमें जो पहला वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो 3, 1, -1, -3 है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आपको होगा 3। अब मुश्तरक फर्क क्या लिखना है, तो मुश्तरक फर्क लिखेंगे कि a2 - a1, ठीक है। अब a2 क्या है, 1 है, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, तो मतलब d इज इक्वल टू आपको होगा -2, ठीक है। d की वैल्यू जो क्या मिल रही है, -2 मिल रही है। इसी तरह रोमन 2 देखिए, इसमें 3 में रोमन 2 -1, और यहाँ a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -5। d इज इक्वल टू लिखना है, क्या लिखेंगे, -1 - 5, तो d इज इक्वल टू होगा तो -1 - -5 = -1 + 5 = +4, तो d इज इक्वल टू आपको मिल गया 4। तो इस तरह बाकी के और तीन क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए। अब चलिए हम लोग 4 में थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या, मंदरजिल में कौन से APs हैं, तो यह चार सवाल दिए गए हैं, 1, 2, ये दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इन दो में बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं आप लोगों ने सिर्फ दो का इंतखाब किया। तो चार इसमें मंदरजिल में कौन से APs हैं, AP कौन से मालूम करना है, अगर जो AP है तो इनका मुश्तरक फर्क लिखिए और मुश्तरक फर्क D मालूम कीजिए और तीन अरकान लिखिए, और अगले हमें तीन अरकान उसके लिखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहली मिसाल को हल करेंगे। पहली मिसाल इसमें वेरी सिंपल है, ये पहली मिसाल, ये 2, 4, 8, 16 - दिया है। पहले हम इसे तस्दीक करें एपी में है या है, हम मुश्तरक फर्क देखेंगे, डी इज इक्वल टू देखेंगे, ये 4 - 2 करने पर हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह दिस इक्वल 8 - 4 करने पर 4 मिल रहा है, तो डी, यहाँ जो यहाँ फर्क है यहाँ भी फर्क है, तो इसलिए तो मुश्तरक फर्क जो है ये दोनों भी जो है नॉट इक्वल टू है, मतलब ये मुश्तरक फर्क मसावी नहीं है। जब मुश्तरक फर्क मसावी नहीं है तो लिहाजा एपी में नहीं है, जब ये एपी में नहीं है, जब एपी में नहीं है तो जाहिर सी बात है हम अगले तीन अरकान लिखने की जरूरत है। चलिए नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 में देखिए 2, 2, 5/2, 3, 7/2, राइट। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग इसका मुश्तरक फर्क देखेंगे, पहले एपी में है ना तस्दीक करेंगे, डी इज इक्वल टू देखा जाएगा 5/2 - 2 लेंगे, मतलब a2 - a1। देखिए ये एलसीएम में इसका क्या होगा, एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 - 4/2 होगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब डी इज इक्वल टू फिर देखेंगे 3 - 5/2, अब यहाँ 1 है, इसका एलसीएम भी 2 होगा,
या थ्री टू से मल्टीप्लाई क्या जाएगा, टू टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स अपॉन टू होगा, तो दिस इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव अपॉन टू, तब भी हमें वन अपॉन टू हासिल हो रहा। फिर हम अगले जो है इस रुकन को देखेंगे, तो d इज इक्वल टू देखा जाएगा सेवन अपॉन टू माइनस थ्री, फिर एलसीएम यहाँ पर क्या है टू होगा, फिर हम यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये सिक्स सॉरी सेवन माइनस सिक्स, सेवन माइनस सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू है, लिहाजा इसका मुश्तरक फर्क एक्सा है, मसावी है, ये दीर्घ जो इदाद की फेरिस्त ए पी में है। जब ए पी में है तो इसके अगले तीन अरकान लिखना है। अब अगले तीन अरकान कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, इसमें वन अपॉन टू को जमा कर दिया जाएगा। अब देखिए मैं अगले इसके तीन अरकान यहाँ पर लिखता हूँ, जब ध्यान लगाकर सुनिए। अब यहाँ देखिए अगले तीन अरकान, अब मान लीजिए डी इज इक्वल टू हम लोग मुश्तरक फर्क कितना है वन अपॉन टू है, सेवन अपॉन टू में हम लोग वन अपॉन टू जमा किया जाएगा, ये एट अपॉन टू होगा, राइट। अब नेक्स्ट एट अपॉन टू हो जाने के बाद दिस इज इक्वल टू ये फोर होगा, ठीक है, इसके बाद वाला रुकन फोर हासिल हो रहा है। अब फोर में हम लोग क्या करना है, वन अपॉन टू जमा करना है, वन अपॉन टू जमा करेंगे तो एलसीएम टू होगा, ये फिर पर टू से मल्टीप्लाई, फोर इंटू टू एट होगा, एट अपॉन एट, एट प्लस वन अपॉन टू होगा, दिस इक्वल टू नाइन अपॉन टू, नेक्स्ट जो है नाइन अपॉन टू होगा। तो इस तरह और हम आगे लिख सकते हैं, जिस पर वेरी सिंपल मिसालें हैं, इस तरह मश्क कीजिए, फिर हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इसाबी तसाउफ का यनवा, तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।